हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जुलाई अगस्त का अवार्ड, इम्पोर्टेंट अवार्ड, जुलाई अगस्त 2021 का इम्पोर्टेंट अवार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ये फर्स्ट है कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल। कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल जो है ये यूएसए का, आपका यूएसए का सिविलियन अवार्ड है। कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाईएस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ अमेरिका। ये यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इसको महात्मा गांधी को दिए जाने की बात चल रहा है। यूएस हाउस के अंदर रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है महात्मा गांधी को देने के लिए। अभी दिया नहीं गया है, बट महात्मा गांधी को देने के लिए यूएस हाउस के अंदर रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है। किन के लिए? महात्मा गांधी को। सेकंड है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021। ये आपका दिया गया है सायरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, सीरम, इसके फाउंडर है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके ये फाउंडर है कौन? सायरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर है। और ये मतलब कोविड-19 का वैक्सीन बनाई है ये वाला कंपनी। ओलंपिक लॉयल अवार्ड जो आपका है ये दिया गया है मोहम्मद यूनुस को। ये किनको दिया गया? आप लिख सकते हैं मोहम्मद यूनुस कहाँ के है? मोहम्मद यूनुस आपका जो है ये बांग्लादेश के हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हैं, इन्हीं को दिया गया है। ये बांग्लादेश के हैं, इनको दिया गया है ओलंपिक लॉयल अवार्ड। यहाँ पे जो आपका टोक्यो ओलंपिक हो रहा है उसी में इनको मिला है। टोक्यो ओलंपिक 2021, ये 2020 में हुआ था, बट पैंडेमिक के वजह से 2021 में हो रहा है। और इसका जो ओपनिंग सेरेमनी का ध्वज वाहक है वो इंडिया की तरफ से कौन कौन है? मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के, मेंस हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया के ध्वज वाहक कौन कौन है इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी का? मनप्रीत सिंह एंड मैरी कॉम। ये तो हो गया इसका। ये 23 जुलाई टू 8 अगस्त चला, और इसी में पैरा ओलंपिक आगे स्टार्ट होने वाला, स्टार्ट हो गया इनफैक्ट। पैरा ओलंपिक का जो ओपनिंग सेरेमनी है उसका ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु को बनाया गया था। पैरा ओलंपिक, इसी का आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। पैरा ओलंपिक का जो आपका ध्वजवाहक है, पैरा ओलंपिक का जो आपका ध्वज वाहक है मतलब ओपनिंग सेरेमनी का, मरियप्पन थंगा वेलु को बनाया गया था, बट वो पैंडेमिक मतलब वो कोविड-19 वाले कोई ये पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए, तो जिसके वजह से उनको नहीं बनाया जाएगा। और ये वाला अब दिया गया है टेक चंद। तो याद रखिएगा ये चेंज हो गए हैं, पहले मरियप्पन थंगावेलु थे, अब टेक चंद एथलीट है ये, भाला फेंक के एथलीट है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बीकेएस लिटरेसी अवार्ड 2021। जर्नलिस्ट एनएन पिल्लई को दिया गया है, एंड कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। ये ओडिया के पोएट है राजेंद्र किशोर पांडा को मिला है ये वाला, ओडिया के लिए पोएट है। उसके बाद से आपका जापान फुकुओका ग्रैंड प्राइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जापान फुकुओका ग्रैंड प्राइज जो है ये जापान का प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और एक इंडियन जर्नलिस्ट को मिला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फुकुओका वहाँ पे दो तीन अवार्ड इसमें दिया जाता है, बट इसी का ग्रैंड प्राइज जो है वो मिला है जर्नलिस्ट पी साईनाथ को मिला है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये सारा का सारा आप इसको नोट डाउन कह सकते हैं। थैंक यू।